की खास खबर। राजधानी नई दिल्ली के साकेत इलाके में जुल्म और शोषण की अजीब तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि दहेज लोभी सास ने बहू पर ऐसी पहरेदारी लगाई कि लोग हैरान हो गए। इंसानियत इस कदर तार-तार हुई कि आखिरकार ससुराल पक्ष के ही कुछ लोग बहू की मदद को आगे आए। मामला नई दिल्ली के पॉश इलाके का है, जहाँ एक दहेज लोभी सास ने अपनी बहू को घर में ही बंधक बना लिया। आरोप है कि उसने बहू की 24 घंटे निगरानी करने के लिए घर के अधिकांश हिस्से में महिला बाउंसर्स तैनात कर रखे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी सास ने बहू को अपने परिवार से मिलने से भी मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक रोहतक के एक डॉक्टर परिवार से आने वाली गरिमा की शादी साकेत में रहने वाले राजवीर के साथ हुई। गरिमा की मां का कहना है कि शादी से पहले उन्हें लड़के के बारे में गुमराह किया गया। उन्हें बताया गया कि राजवीर ने बीटेक किया है और फिलहाल लॉ की पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि धोखे में रखकर उनसे मोटी दहेज वसूली गई। गरिमा के परिवार वालों ने शादी में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद गरिमा की सास सुनीता चौधरी की दहेज की भूख शांत नहीं हुई। आरोप है कि सुनीता चौधरी चाहती थी कि रोहतक स्थित एक प्लॉट भी उनके बेटे के नाम कर दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर गरिमा के साथ मारपीट की जाने लगी और बीते 10 तारीख को गरिमा की मां के साथ भी महिला बाउंसर ने मारपीट की। लगातार हो रही मारपीट और शोषण के बाद गरिमा के मायके वालों ने पुलिस के पास जाना मुनासिब समझा और अपने बेटी को उनके चंगुल से छुड़वाया। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद से गरिमा की सास सुनीता चौधरी और पति राजवीर फरार है। इधर सुखद बात यह है कि गरिमा के चाचा ससुर सत्यवीर चौधरी इस पूरी लड़ाई में अपनी बहू के साथ मजबूती से खड़े हैं। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए